हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। एबीपी न्यूज के सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। बिहार के सभी 243 सीटों पर 30,678 लोगों से बात की गई है। सर्वे 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। पहुंच चुके हैं पटना। हम तैयार हैं, बिहार तैयार है। एबीपी न्यूज सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और एक बड़े सैंपल साइज के साथ ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो गया है आपके सामने। ये हो बिहार के लाला, ये यहाँ बिहार की जनता आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने अपना मन बना लिया है। हमने 1 से लेकर 23 अक्टूबर तक इन सभी के मन में झांक कर देखा। सी वोटर ने, एबीपी न्यूज ने मिलकर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है और हमने आपकी समझ के लिए, आपकी आसानी के लिए बिहार को 5 अलग अलग, बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह, इन 5 उंगलियों की तरह बांटा है, ताकि आप आसानी से समझ जाए। और वहाँ चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद है। और यहाँ आपको दिखा दूँ, खास मेहमान अलग अलग पार्टी से, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, मौजूद है। इनसे आपका तारुफ करवाऊँ, उससे पहले मेरे तमाम सहयोगी जो अलग अलग इलाकों में मौजूद है और इसके साथ में वो 5 इलाके भी आपको दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले बात होगी सीमांचल की। 24 सीटों वाला सीमांचल कितनी सीटें ला रहा है, किस पार्टी की तरफ से ला रहा है, जनता वहां कितनी उत्साहित है, ये बताने के लिए किशनगंज से मेरे सहयोगी आदर्श जुड़ेंगे। उसके बाद आपके सामने चेहरा होगा, मोहरा होगा, आंकड़े होंगे उस इलाके का जो अंग प्रदेश कहलाता है, जिसकी 27 सीटों पर कौन काबिज हो रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको पता चलेगा। और वहीं पर मेरे सहयोगी मौजूद है लखीसराय से, जैनेन्द्र। उसके बाद ये कारवा आगे बढ़ेगा ओपिनियन पोल का। हम मिथिलांचल का रुख करेंगे, 50 सीटें मिथिलांचल की किसके झोली में जाती है, ओपिनियन पोल क्या कहता है। और वहीं के समस्तीपुर में मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। फिर आगे हम पहुंचेंगे मगध, भोजपुर, मगध पटना, भोजपुर आरा, जहां पर पंकज मौजूद है और वहां की 69 सीटों का हाल क्या है आपको बहुत करीब से जानने को मिलेगा। और फिर आखिर में उत्तर भारत की बात होगी, गोपालगंज में मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद है। 73 सीटें किसको जिता रही है उत्तर बिहार, माफ कीजिएगा उत्तर बिहार, वहां पर किसको कितनी सीटें जा रही है, ये ओपिनियन पोल में आपको जानने को मिलेगा। और अब मैं आपको बता दूं, अजय आलोक साहब यहां पर जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ संजय चौरसिया साहब बीजेपी से जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मृत्युंजय तिवारी साहब आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जरा हाल सीमांचल का क्या कहते हैं आंकड़े, वो बताएं। उससे पहले कितनी तैयारी और दिल में कितना कंफ्यूजन और धकधक, अजय आलोक? ना कंफ्यूजन ना धकधक, आत्मविश्वास, क्योंकि बिहार की जनता के लिए किया है और आगे भी करते रहेंगे। परिवार के लिए ना किया है, ना सोचा है, ना करेंगे। हमारे नेता का जीवन सिर्फ बिहार के लिए समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेगा। तो फिर पुराने 15 साल की क्यों बात हो रही है, जब लालू प्रसाद छोड़ गए 15 साल पहले, 15 साल आपने राज कर लिया, आपके मन में क्या भाव, भीड़ बदलेगी वोटों में? बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का ताज तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में 15 दिनों का फासला है और बिहार की 12 करोड़ जनता गांधी मैदान में राज्याभिषेक करने के लिए तेजस्वी यादव जी का तैयार है। कहीं कोई मुकाबले में नहीं है, इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन तेजस्वी के साथ टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ख्वाब देख रहे हैं तो इनके ख्वाब मुबारक हो, कभी नहीं होने वाला है। जिस तरह से
महागठबंधन ठगबंधन में साबित हो चुका है कि आज नेता चुनने के लोग तैयार नहीं है। 10 लाख कुनबे के रोजगार की बात करते हैं, जिनके लोगों ने बेरोजगार करने की बात की, बिहारों में रोजगार छीनने की बात की कि आज भी बिहार आने पर किस प्रकार के मनोभाव वो दिन याद करते हैं, वो दिन में लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो ख्वाब देख रहे हैं तो देखने दीजिए, वो दिन तो चले गए ना, वो दिन तो चले गए। अच्छे दिन आएंगे प्रेमचंद जी आप लोगों के? माइक। अच्छे दिन तो निश्चित रूप से आएंगे और मेरा मानना है कि 10 नवंबर को ये आप भी जान जाएंगे और बिहार के लोग और देश के लोग भी जानेंगे। मैं समझता हूँ जब इन्होंने ठगबंधन की बात कही तो मुझे हंसी आ रही थी कि एक तो इनका गठबंधन जेडीयू से है, दूसरा इनका गठबंधन एलजेपी से है और तीसरा इनका गठबंधन ओबीसी से है जहां सीमांचल से आपके लोग जुड़ेंगे। तो ठगबंधन तो इन्होंने बना रखा है। सवाल ये है कि बिहार में न रोजी है, न रोटी है, न रोजगार है और 15 साल से सत्ता में आप बैठे हैं और आप 15-20 साल पहले की बात करते हैं। आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को क्यों नहीं गिनाते हैं? तो आप लोग सब तैयार है ना, आप तैयार हैं आंकड़ों के लिए? एक इल्तजा, एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के। रिजल्ट जो भी रहे एकदम हम लोग सबको स्वीकार करेंगे, लेकिन तेजू बाबा से एक रिक्वेस्ट है, मंगरू का जमीन लौटा दीजिए। देखिए ऐसा है, ठीक है तिवारी जी, जवाब सुन, नहीं जवाब सुन, नहीं नहीं कैसे नहीं होगा, आप गाली सुनवाएंगे और इसके बाद जवाब नहीं लेंगे। दलित का गरीब का बच्चा का नाम मगरू होता है। इन्होंने जमीन आपने ले लिया ना, पेपर है, जमीन हटा दीजिए, बिहार के गरीबों का जमीन और उसके आंखों का आंसू। नहीं नहीं ये मजाक मत बनाइए, लौटा दीजिए, मजाक मत बनाइए, मेरी सहयोगी शोभना यादव मौजूद है, डेटा सेंटर से रोमाना मेरे साथ मौजूद है और इस बीच आपको ये बता दें हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अभी रुक, सीमांचल का हाल क्या है, जनता ने बिहार की क्या तय कर लिया है, बताएंगी रोमाना। ओवर टू यू। तो देखिए नेताओं का शोर तो चलता रहेगा लेकिन बिहार की जनता किस ओर, आंकड़ों के जरिए शुरुआत सीमांचल से करते हैं और समझ लीजिए जरा, हर बार की तरह इस बार भी आपके चैनल एबीपी न्यूज का अंदाज बिल्कुल अलग है। ये आप देख रहे हैं कोसी रेल महासेतु, बात सीमांचल की, सीमांचल को मिथिलांचल से यही कोसी रेल महासेतु जोड़ रहा है। 86 साल के इंतजार के बाद ये जुड़ाव, सीमांचल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, 24 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। नीतीश प्लस 28%, लालू प्लस 46%, पासवान की पार्टी को 4%, अन्य के खाते में 22%। यहां तो परसेंटेज के हिसाब से लालू प्लस महागठबंधन काफी आगे बढ़त के साथ जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं सीटों में, और अगर सीटों में तब्दील किया जाए तो सीमांचल की ये 24 सीटें किसके खाते में कितनी सीट, वो नंबर जिसका आपको इंतजार है आपके सामने आ गया है। नीतीश प्लस के खाते में 11 से 15 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। परसेंटेज के हिसाब से लालू प्लस बाजी बन रहा था लेकिन सीटों में लालू प्लस नीतीश प्लस से पिछड़ गया है, 8 से 11 सीटें ही लालू प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आंकड़ा सीमांचल का सामने निकल कर आ रहा है और कहां से ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कोसी रेल महासेतु से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 46 साल के इंतजार के बाद ये जुड़ाव सीमांचल के लोगों का मिथिलांचल और बाकी देश के साथ जो बन पाया, ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने। नीतीश प्लस 11 से 15 सीट, लालू प्लस 8 से 11 सीट, पासवान की पार्टी खाता नहीं खोल पा रही, अन्य के खाते में एक सीट, और ये आंकड़ा क्या कहता है, इसके मायने क्या है, समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इलेक्शन सेंटर शोभना के पास। शोभना। बिल्कुल रोमाना, ये आपने 24 सीटों का आंकड़ा तो दिखा दिया और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि लगभग 1 करोड़ की आबादी यहाँ पर है, 10% आबादी बिहार की सीमांचल में है और जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए जो गठबंधन है वो आगे नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रधान संपादक शशि शेखर जी भी जुड़े हुए हैं। मुस्लिम बहुल ये इलाका है, लगभग यहाँ पर 54% मुस्लिम आबादी है। मैं आपको बता दूं कि ओपिनियन पोल की जो बड़ी बातें हैं, सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। महागठबंधन को वोट तो ज्यादा, जो वोट परसेंटेज है वो तो बहुत ज्यादा, लेकिन सीटें जो हैं, जब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है वो वोट परसेंटेज तो कम नजर आ रही है। ये आंकड़ा हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में एनडीए को भारी बहुमत मिला है। हमारे साथ प्रधान संपादक शशि शेखर जी भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे इस आंकड़े को। चिराग पासवान को कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है, 10% की लगभग यहां पर दलित आबादी है,
तो इन ये जो आंकड़े हमारे सामने आए इनके मायने हम शशि शेखर जी से समझ लेते हैं। शशि शेखर जी, ये जो आंकड़े हम इस समय दिखा रहे हैं, ये लगभग 10% आबादी है बिहार की, 1 करोड़ की, लेकिन रुझान जो जा रहा है वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी का जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका असर होता नहीं देख रहे हैं आप? मैं जो भी टिप्पणी करूंगा इसी सर्वे पे करूंगा और इसकी स्थितियां बदल भी सकती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये प्रतिशत आपके ज्यादा आपको मिला है और सीटें कम है, ऐसा संभव है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्विंग होता है तो नतीजों में काफी उलटफेर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सीमांचल का जो डेमोग्राफिक संतुलन है उसके हिसाब से ये आपका सर्वे बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है जो भी बोल रहा है, और थोड़ा सा स्विंग यहाँ पर काफी नतीजों में उलट फेर कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी सफलता सत्तारूढ़ गठबंधन की होगी, एनडीए की, यानी वो अपने वोटर्स को निकाल के लाते हैं पूरे तरीके से, क्योंकि जो महागठबंधन है उसका वोटर कमिटेड है, इस समय वोकल है, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं टूथ एंड नेल की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आज की तारीख में सबसे बड़ा जो आज बूथ मैनेजमेंट है वही महत्व तो डालेगा। मुझे ये लड़ाई बहुत बराबर की लगती है जब सीटों की बात करता हूँ, तो थोड़ा सा उलटफेर, 2-4 सीटों का उलटफेर काफी कुछ बदल देगा। ठीक है, तो शशि शेखर जी ने कहा कि ये जो वोट परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी स्विंग अगर हुआ तो काफी बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका और इसमें एनडीए की जीत होते हुए रूबिका का मैं अब रुख कर लेती हूँ, वो वहां पर तमाम नेताओं के साथ मौजूद है। रूबिका, सीमांचल के आंकड़े में एनडीए की बढ़त, ये चौंकाने वाले आंकड़े, और अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लोग अपना मन बना चुके हैं, और हो सकता है कि अब जो आखिरी दौर की कुछ रैलियां होने वाली है उन रैलियों में ये मन पलटता है कि नहीं पलटता है। मेरे साथ जो खास मेहमान है उनसे जरा एक बार फिर से, मृत्युंजय जी, 11 से 15 सीटें नीतीश कुमार को सीमांचल में, आपके पास परसेंटेज ज्यादा है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, 8 से 11। नहीं, आप तो दिल्ली से चलकर आई है मेहनत करके, आप पूरा सीट भी एनडीए को देते तो हम लोग को कोई ऐतराज नहीं था, आप तो इसी के लिए आए हैं ये सब जानता है। देखिए ऐसा है, 2015 में भी आप लोग यही कह रहे थे, चुनाव जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन आधे दिन तक यही चल रहा था कि महागठबंधन हार रहा है, एनडीए आ रहा है, तो हम लोग को 9 तारीख तक ये सब होगा, तो आगे आगे इस बात तक टिके रहना, अपना फैसला लॉक कर लिया, इस बात पर टिके रहना कि जनता ने अपना फैसला लॉक कर लिया है, कुछ भी हो, मामले कुछ भी हो, सरकार को बनाना है। आपका पहला रिमार्क बचा के रखिएगा, जवाब दीजिए, बचा हुआ जवाब दीजिए आजाद। देखिए ये जो आपके आंकड़े आए हैं, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं सर्वे पे यकीन नहीं रखता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या हमारे पक्ष में नहीं हो, आज से नहीं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं, मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये जहां से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं कोशी सेतु से, ये एक विश्वास का सेतु है, जिस सीमांचल में विश्वास का सेतु प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उद्घाटन के पहले और ये अगर यही मान रहे हैं तो यहाँ पे आए किस लिए? झुंझुना बजाने आए हैं। उद्घाटन बोलिए, पहले मंगलू की जमीन लौटा दे उसके बाद वोट की बात करें। पुल उद्घाटन के पहले बच गया था, ये याद दिला दे बिहार की जनता को, करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की नदियों में बह गए थे उद्घाटन के पहले, पुल बह गया था। ठीक है सर, सुनिए, सीमांचल के किशनगंज से मेरे सहयोगी आदर्श जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आदर्श, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए परसेंटेज ज्यादा आरजेडी को, महागठबंधन को, लेकिन सीटें तो जा रही है नीतीश के खाते में। बिल्कुल रिबिका, और मेरे साथ तमाम दलों के यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और वो भी ये आंकड़े लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे साथ राजद से जो हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आप लोगों को, तो बढ़त मिलती दिख रही नीतीश का? जी, हम लोगों की बढ़त है पूरे बिहार में और हम लोगों की सरकार बनने जा रही है बिहार में। नीतीश कुमार को जो कंपैरिजन सीटें मिल रही थी वो तो अभी लगभग बराबर दिख रही है, तो क्या लगता है आपको, अब तो मजबूत पार्टी बनकर उभर रहे थे और अभी तो हालत ठीक नहीं लग रही? बिल्कुल, हम लोग मजबूत है और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है,
सर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सर सीमांचल बड़ा हिस्सा है और 1 करोड़ की आबादी है, लगभग भविष्य तय करता है बिहार का, और इस वक्त जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो दोनों ही पार्टियों के लिए लगभग बराबर के हैं। क्या लगता है आपको, क्या नतीजे होने वाले? सीमांचल में इस बार 2015 के बनिस्पत 2020 के चुनाव में MIM एक फैक्टर बनकर उभर रहा है और सभी प्रायः सभी सीटों पर जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की संभावना है। 2019 में MIM की एंट्री किशनगंज में ही हुई है और यहाँ के जो चार सीट में तो लगभग लग ही रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है संभव है। देखिए ये बड़ी बात है और खासतौर पर अगर AIMIM की बात करें तो पहली सीट यहाँ से यानी किशनगंज से जीत कर गए हैं और चूंकि ये इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाका भी माना जाता है, ऐसे में जो आसपास जिले हैं वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रूबिका देखिए यही तो दिलचस्प है, अभी प्रेमचंद मिश्रा यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो यही तो कह रहे थे कि यहाँ AIMIM भी है, LJP भी है और दूसरा एक अलग से गठबंधन BJP की तरफ से निकल कर आ रहा है। BJP के 3 अलग अलग गठबंधन बता दिए हैं, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं जीते कोई भी जीत BJP की होगी। बिहार में BJP JDU का गठबंधन है और जिस तरह से बिहार में NDA के अंदर में भीतरघात हो रहा है, ये भाजपा प्रायोजित भीतरघात है। एक तरफ ये JDU के साथ है, दूसरी तरफ एक दूसरे साथी को लगा दिया कि तुम JDU के खिलाफ चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारो। कर भी रही है कि इनके नेता मानने को तो कोई तैयार नहीं है। आज जो जो नेता दिखाई दे रहे हैं सब उनके अंग रहे अलग अलग प्रकार से। LJP के बारे में पार्टी की मान्यता स्पष्ट हो गई या साफ हो गया, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज इनके गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई परिदृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बार बार जनता समझती है कि इससे बड़ा महागठबंधन ठग बंधन में साबित बिहार में हो चुका है। इस बात का परिचायक है, कहीं भी किसी का आरोप आप लगा रहे हैं उस पर क्लियरली बोल दीजिए। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि LJP से आपका कोई कहीं भी किसी प्रकार का कुछ नहीं है, ये एकदम स्पष्ट है। सभी प्रधानमंत्री जब पहली बार आए तो मोदी जी ने कहा कि रामविलास जी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, सब लोग सीधा मैसेज क्लियर दिया। प्राइम मिनिस्टर को रामविलास जी की प्रशंसा करो, जो अच्छे कहीं ना कहीं मैसेज दिया उनके बारे में जो आशा है रामविलास पासवान जी के इंतकाल के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे भी वहाँ गए थे, नीतीश कुमार भी वहाँ पर गए थे, ये तो देश की परंपरा रही है ना। ठीक है, आदरणीय रामविलास पासवान जी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही राजनीति किए थे और हम लोग के साथ कई बार लालू प्रसाद जी और रामविलास जी साथ रहे, एक ही विचारधारा की राजनीति की। लेकिन अंतिम समय में जब वो अस्पताल में भर्ती थे उस समय BJP JDU के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संवाददाता सम्मेलन में ये कहा कि हम लोगों ने राज्यसभा भेजा रामविलास जी को, इनका तो 2 ही विधायक था। बताइए, उनको लेकर घूम रहे थे पूरा बिहार, 40 में 39 सांसद रामविलास पासवान जी के कारण इनको मिल गया, वो भूल गए, वो सदमा से रामविलास पासवान जी अरे भाई बेचारे नहीं रहे और इतना बड़ा अपमान, आपके इतना बड़ा अपमान, बताइए उनको किनारे लगाने का देखते हैं बिहार की समस्या जानती है। बताइए आप कह रहे लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी साथ थे, तो ये दोनों बच्चे साथ आएंगे? बच्चे साथ आएंगे क्या आएंगे, राजनीति राजनीति में हम समझ रहे हैं, राजनीति में सब संभावनाओं के द्वार हर समय खुले रहते हैं। तिवारी जी बड़ी बात खोल दिया, बात हम बोल रहे थे, सुनिए पूरा बात नहीं सुनिए, खोल दिया बात, खोल दिया इन्होंने, देख रहे अजय आलू पेशेंट है, ये सोच रहे किसी तरह संभावना बन जाए हम तंग कर सरकार में आ जाए, वो सब नहीं होगा। सरकार का तो NDA का चूहा कुतर चुका है सरकार को, अब सरकार तो नहीं आएगी। कुछ कह रहे हैं, अच्छा दूरी से बात कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, पहले मास्क लगाइए, जल्दी मास्क लगाइए। हाँ भाई क्या 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 कहेंगे आपका मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? मेरा मुद्दा विकास का है और हमारे बिहार में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो पिछले 15 साल में क्या हुआ इन लोगों का यही है, इन्होंने आंख पे काला चश्मा लगा रखा है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। बिहार में जो विकास है विकास की बाहर है, इसीलिए नीतीश कुमार है।
भाई ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये पांच उंगलियां और ऐसे पांच इलाके बिहार के, एक का रिजल्ट ओपिनियन पोल का आपके सामने आ चुका है।